सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. आज का क्वेश्चन टेस्ट नंबर 5 का, द हाईएस्ट अवार्ड ऑफ गैलेंट्री इन आवर कंट्री इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग. उत्तम युद्ध सेवा मॉडल मेडल सॉरी सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल, महावीर चक्र एंड परमवीर चक्र. सो गैलेंट्री मीन्स वीरता, करेज, स्पेशली इन बैटल फील्ड. ओके, सो ये वाला हम लोग को पता है कि कौन सा अवार्ड सबसे ऊपर होता है, जो मैक्सिमम आदमी को पोस्ट ह्यूमसली ही मिलता है, क्योंकि उस एक्सेप्शनल लेवल के वीरता हमारे वीर जवान उन लोग तब डेथ हो ही जाता है मैक्सिमम केस में. एक दो है, आप लोग पढ़ सकते हो गूगल में, उन लोगों के बारे में पढ़ना ठीक है. परमवीर चक्रा अवार्डी जो जो है, सो दिस अवार्ड इज परमवीर चक्रा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वेलोसिटी ऑफ साउंड इज मोर. ठीक है, साउंड का जो वेलोसिटी है वो कितना है, ऑलमोस्ट 330 मीटर पर सेकेंड. ओके, बट इट्स ओनली इन वैक्यूम और एयर. ठीक है, सो एयर इसका मतलब ये क्या होता है कि आप जितना सॉलिड मीडियम मतलब जितना डेंसर मीडियम पे साउंड ट्रेवल करेगा उतना ही उसका स्पीड बढ़ जाएगा. ठीक है, सो इन सब में से सबसे डेंस कौन सा है, सबसे कम है एयर, एयर के बाद है वाटर, वाटर के बाद है वुड और वुड के बाद है स्टील. ठीक है, सो डेफिनेटली स्टील इज द डेंसेस्ट मीडियम, दैट्स व्हाई साउंड विल बी फास्ट पेस्ट इन दिस मीडियम. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हिच प्लैनेट ऑर्बिट्स क्लोजेस्ट टू द अर्थ. तो ये क्वेश्चन में तुम लोगों को डाउट हो सकता है कि मर्क्यूरी कैसे आंसर हुआ. ठीक है, क्योंकि अर्थ के सबसे नियरेस्ट तो आइदर वीनस नहीं तो मार्स होना चाहिए. लेकिन ये एक कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन है. मतलब ये क्या होता है, मर्क्यूरी विथ रिस्पेक्ट टू सन जितना ट्रेवल करता है तो वो ऑन एन एवरेज ईयरली वीनस से ज्यादा ज्यादा पास रहता है अर्थ के. ठीक है, विच मतलब एक कॉम्प्लेक्स ये है, मतलब वो सन के रिस्पेक्ट से अर्थ के साथ एक साल में सबसे ज्यादा टाइम क्लोज रहते हैं अर्थ के साथ. तो इसीलिए ये आंसर तुम लोग याद रखना, वीनस या मार्स नहीं, एक्चुअली ये क्या होगा, मर्क्यूरी. नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, ए लाइट ईयर. लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ व्हाट, लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ व्हाट डिस्टेंस. सो फॉर सम पीपल इट माइट बी कंफ्यूजिंग बिकॉज इट सीम्स लाइक स्पीड. ओके, बट एक्चुअली इट्स नॉट स्पीड, इट्स डिस्टेंस. दिस इज द डिस्टेंस जो लाइट रे इन ए वैक्यूम पर ईयर ट्रेवल करते हैं. ठीक है, सो लाइट एक सेकेंड में ऑलमोस्ट 299,700 और अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं ऑलमोस्ट 300,000 किलोमीटर पर सेकेंड जाता है. तो उसको पर ईयर एक साल में वो कितना जाएगा, ऑलमोस्ट 300,000 इंटू 24 इंटू 30 इंटू 12. तो मतलब सेकेंड से मतलब सॉरी और होगा सॉरी 300,000 इंटू 60 इंटू 60 इंटू 24 इंटू ऑलमोस्ट 356. ओके, सो 365, तो वो जाके निकलता है ऑलमोस्ट 9.449 ऐसे ऐसे कुछ. तो पावर देखे मतलब 9.5 इंटू 10 टू डी पावर 12 किलोमीटर. ठीक है, सो अनइमेजिनेबल डिस्टेंस है. अब तुम लोग ये भी गेस लगा सकते हो कि अर्थ से मतलब सन से अर्थ तक रे आने में 8 मिनट लगता है, बस 8 मिनट 20 सेकेंड, इतना बड़ा डिस्टेंस. तो ये आंसर इज बी. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सेड मैन इज ए सोशल एनिमल. सो ये किसने कहा था, एरिस्टोटल ने. ठीक है, सो पहले सबसे पहले कौन थे, सोक्रेट्स. सोक्रेट्स के स्टूडेंट थे प्लेटो, प्लेटो के स्टूडेंट थे एरिस्टोटल, और एरिस्टोटल के एक फेमस स्टूडेंट था, कोई नाम बता सकता है, कोई भी गेस लगाओ. वो फिलोसोफर नहीं थे. ठीक है, हिंट, एंड ही इज ऑल्सो रिलेटेड विथ इंडिया समहाउ. यस, अलेक्जेंडर. नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट एशियाड वॉज हेल्ड इन द सिटी ऑफ. एशियाड बस कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए, एशियाड मतलब बाकी कुछ नहीं है, ये है एशियन गेम्स. ठीक है, जो पहला एशियन गेम्स हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, न्यू दिल्ली पे हुआ था. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, थॉमस कप इन्वॉल्व्स कंपटीशन इन मैंस बैडमिंटन. ठीक है, बैडमिंटन है, मैंस का वर्ल्ड मैंस चैंपियनशिप होता है ये बैडमिंटन में. सो थॉमस कप उसके साथ. नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं, हु कंपोज्ड ऋतु संहार
ऋतु संहार क्या है, मतलब इट्स अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द सीजन थ्रू पोएम, ठीक है? इट्स अ नॉट एक्चुअली वन लिटरेचर, इट्स अ क्लास ऑफ लिटरेचर, ओके? ऋतु संहार, सो उसमें हर एक सीजन को एक एक सेपरेट क्या बोलते इमोशन से रिप्रेजेंट कर दिया जाता है, और ये पहले लिखा था किसने, कालिदास ने। अभी भवभूति कौन थे, भवभूति कनौज के राजा यशोवर्मन के कोर्ट पोएट थे। जयदेव कौन थे, जयदेव थे सेन किंगडम, जो सेन किंगडम था बंगाल में, सेन सेना, उसका लक्ष्मण सेना का वो कोर्ट पोएट था, और उसका जो फेमस बुक था वो था गीत गोविंदम। और विद्यापति, वो मैं उसका नाम भूल गया, मैं चेक कर लेता हूँ, वो कुछ बर्मन, वो एक्चुअली मैथिली लैंग्वेज का एक ऑलमोस्ट मिडिवल टाइम का लिटरेचर वो लिखते थे, 1200-1300 AD में वो है। तो वो मैथिली लैंग्वेज जब मतलब शुरुआत हुआ था मैथिली लैंग्वेज का, तो वो उस शुरुआत के टाइम के पॉइंट है, ठीक है? उसका फेमस पॉइंट भी भूल गया मैं कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेसमेकर, पेसमेकर किसके साथ एसोसिएटेड है, हार्ट में, टू कीप द स्पार्क अलाइव लिटरली, ठीक है? हार्ट में अगर अचानक रुक जाए तो वो छोटा सा स्पार्क देके, शॉक जैसे गाड़ी का इंजन शॉक देके स्टार्ट करते हैं, तो उसका काम ऐसा ही है, ऑलमोस्ट इन सिंपल टर्म्स बोल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑड पर्सन आउट। सो ये तीनों जो थे, ज्योतिर्मय सिकदार, वो एक रनर, ठीक है, एथलीट थे, रनर जो मिड रेंज में दौड़ते थे, 800 मीटर रेस वो सब में। पीटी उषा का तो हम लोगों को पता ही है, पीटी उषा रनर है। परमजीत सिंह, उन्होंने मिल्खा सिंह का 38 ईयर पुराना नेशनल रिकॉर्ड तोड़ा था, और 2000 एथेंस, आई गेस एथेंस ओलंपिक था, भूल गया, ठीक है, 2000 ओलंपिक में इंडिया को रिप्रेजेंट किया था। सो इसमें से सबसे अलग कौन है, अजय जाडेजा, एंड ही इज ए क्रिकेटर, ओके? नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, पीट सम्प्रास, ओके, पीटर उसका एक्चुअल नाम था, और वो कहाँ से थे, यूएसए से। पीट सम्प्रास, इंडिया एडॉप्टेड द 5 ईयर प्लान फ्रॉम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। 5 ईयर प्लान एक्चुअली एक स्टालिन का प्लानिंग था, कि कैसे हम लोग पूरे 5 साल के लिए पहले ही प्लानिंग करके हर साल मतलब हम लोग एनुअली थोड़ा थोड़ा करके उसके तरफ जाएंगे। और ये जो कॉन्सेप्ट था, इट वॉज मतलब जवाहरलाल नेहरू वॉज वेरी इंप्रेस्ड बाई इट, एंड ही ट्राइड टू इम्प्लीमेंट सिंस आवर इंडिपेंडेंस। एंड हाउ मेनी 5 ईयर प्लान वे देयर टिल नाउ, लास्ट कितना नंबर था, 12। 12। हु इम्प्लीमेंटेड 5 ईयर प्लान, मतलब किसके रिकमेंडेशन पे होता था प्लानिंग कमीशन, प्लानिंग कमीशन को किसने रिप्लेस किया था, नीति आयोग, ठीक है? सो ये सब बेसिक चीजें हैं इकोनॉमिक्स का, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु प्रपोज्ड द म्यूटेशन थ्योरी। सो चार्ल्स डार्विन, उसका ओरिजिन ऑफ स्पेसिस नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी था उसका। लेमार्क भी एक, मतलब ये तीनों लोग, ठीक है, मतलब चारों लोग ही म्यूटेशन इवोल्यूशन के साथ ही रिलेटेड है। सो चार्ल्स डार्विन, लेमार्क और वाइजमैन, वो तीनों म्यूटेशन इवोल्यूशन उसी फील्ड में रिलेटेड थे। चार्ल्स डार्विन का था नेचुरल सिलेक्शन, लेमार्क का था एक म्यूटेशन थ्योरी की, एक दिस मतलब एवरी चेंज इन ए कैरेक्टर इज रिफ्लेक्टेड इन इट्स डिसेंडेंट्स, ऐसा तबका था, जैसे जिराफ का सॉरी गर्दन क्यों लंबा हो गया, ये सब का एक्सप्लेनेशन दिया था। और वाइजमैन जो थे, तो उन्होंने जितना दूर मुझे पता है, मतलब वो कैसे मतलब मदर सेल एंड फादर सेल को हाफ तक डिवाइड होना पड़ता है ताकि दोनों का कैरेक्टरिस्टिक मतलब नेक्स्ट जनरेशन में देखे, तो उसने ये बोला था। और आंसर है एक्चुअली इसका डी डेवरिस, जर्मन सिल्वर इट्स एन एलॉय ऑफ व्हाट, सो इसको निकल सिल्वर भी बोलते हैं, ठीक है? तो ये क्या है, जो सिल्वर जैसे दिखते हैं लेकिन सिल्वर है नहीं बाहर से देखने में, और उसमें सिल्वर का प्लेटिंग करना भी बहुत इजी हो जाता है, ठीक है? तो इसमें क्या क्या होता है, कॉपर होता है 60%, और बाकी जिंक एंड निकल ऑलमोस्ट 20% 20% होता है, ठीक है? तो इसका आंसर होगा कॉपर जिंक एंड निकल। तो एक्चुअली ये प्रोसेस निकला था चाइनीज ने पहले, तो वो नेचुरल प्रोसेस था शायद कुछ, जो इन लोग जर्मन साइंटिस्ट ने आर्टिफिशियली बनाना शुरू कर दिया था, ठीक है? द बुक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ये नेचुरल सिलेक्शन और ओरिजिन ऑफ स्पीसीज वो देखते ही समझ जाना ये चार्ल्स डार्विन है, ठीक है? तो इसमें कोई डाउट होने का बात है ही नहीं। तो कौन से आइलैंड में गए थे वो, जहां उसको ये मिला एविडेंस?
गैलापागोस आइलैंड गैलापागोस कहाँ पे है वो, मतलब कौन सा कॉन्टिनेंट के आसपास है ये बोलने से भी हो गया। वो अमेरिका मतलब साउथ, स्पेसिफिकली बोले तो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के आसपास, अमेरिका। ठीक है। चार्ल्स डार्विन वो एक्चुअल इवोल्यूशन का थ्योरी दिया था जो अभी करेंटली एक्सेप्टेबल है, ठीक है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन हैपेंस इन मायोपिया। सो मायोपिया में क्या होता है, लॉन्ग साइट इज इफेक्टेड बट शॉर्ट साइट इज ऑल राइट, मतलब पास के सामान चीज को अच्छे से दिखाई देता है लेकिन दूर का जो सामान है उसको दिखाई नहीं देता है, ठीक है। इमेज फॉग डे होता है, रेटिना के आगे फॉर्म होता है, ठीक है, तो इसलिए दिखाई अच्छे से दिखाई नहीं देता है। अच्छा, और दो टाइप का था ना आई का प्रॉब्लम, एक था हाइपरमेट्रोपिया, वो क्या था, फार साइटेडनेस, मतलब पास वाला नहीं दिखाई देता है लेकिन दूर वाला दिखाई अच्छा देता है, ठीक है। तो उसका इमेज रेटिना के पीछे फॉर्म होता है। और लास्ट एक था प्रेस बायोपिया, वो क्या है, वो नियर बाय ऑब्जेक्ट को फोकस नहीं कर पाते हैं। वो लास्ट ऑप्शन प्रेस बायोपिया का ऑप्शन है। हेजी इमेजेस आर सीन बाय द आई स्पेशली नियर बाय ऑब्जेक्ट, ठीक है, जो एज के साथ नेचुरल है, ठीक है, 40 के बाद आने लगता है धीरे धीरे। हु हेल्ड द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर टू फुल टर्म्स, इसमें एक और वर्ड है, फुल टर्म्स फॉर द फर्स्ट टाइम, वो कौन थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है। पहले प्रेसिडेंट कौन थे, राजेंद्र प्रसाद, और वो दो टर्म तक रहे और राधाकृष्णन जी भी दो टर्म तक रहे, और उसके बाद एक आदमी फिर से दो टर्म रहा, वो बोल सकता है वो कौन है, वाइस प्रेसिडेंट के दौर पे दो टर्म कंटिन्यूअसली रहा था, हामिद अंसारी जी, ठीक है। द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन अमेंडेड सो फार ओनली वंस, कौन सा अमेंडमेंट था, ये एकदम पॉलिटिकल बेसिक क्वेश्चन है। 42nd क्या क्या वर्ड ऐड किया गया था, बोनस के लिए बोल सकता है कोई, इंटीग्रिटी इंटीग्रिटी है, सोशलिज्म है और सेक्युलरिज्म है, ठीक है। सो ये क्वेश्चन हो गया। टू बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज प्रेसिडेंट ए कैंडिडेट मस्ट बी ओवर 35 ईयर्स ऑफ एज। राज्यसभा के मेंबर होने के लिए एज लिमिट कितना है मिनिमम, और लोकसभा, 25 लोकसभा का, सो याद रख कैसे रखना, लोकसभा के एमपी 25, राज्यसभा उसके ऊपर है थोड़ा, उसका 30, और सबसे सीनियर मोस्ट पोजीशन इंडिया में कौन सा है, प्रेसिडेंट, तो उसका 35 सबसे ज्यादा, ठीक है। हु इज कॉल्ड इंडियन नेपोलियन, ये कोई, ये टाइप का क्वेश्चन मुझे मतलब ब्रिटिश का दान है, ठीक है, कि क्यों वो इंडियन नेपोलियन क्यों हो गए, ये सब एपिफेट जो है, मतलब एक्चुअली ही इज द समुद्र गुप्त ऑफ इंडिया, ठीक है, ब्रिलियंट स्ट्रेटेजिस्ट थे, तो नेपोलियन के साथ वो अच्छे थे, अच्छे जनरल थे, लेकिन कंपेरिजन इज नॉट ए गुड थिंग, ठीक है। सो इंडियन नेपोलियन, कालिदास इज नोन एज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, वो सब चीज ब्रिटिश कॉलोनियल माइंडसेट है अभी, ठीक है, छोड़ गए हमारे साथी। तो इंडियन नेपोलियन किसे बोलते हैं, समुद्र गुप्ता, ठीक है, समुद्र गुप्ता ऑफ गुप्त डायनेस्टी, ही वॉज द फादर ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन बना देता हूँ, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग द गुप्ता टू एंड राम गुप्ता, देयर वॉज अनदर किंग, ओके, बिटवीन समुद्र गुप्ता एंड चंद्रगुप्ता टू। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इन्वेडेड इंडिया इन 327 BC, इतना पहले तो इस्लामिज्म आया ही नहीं था, सो सुल्तान महमूद और इबन बिन कासिम, ये दोनों तो ऑप्शन आउट ऑफ ये है, और तैमूर लोंग भी कंपेरेटिवली बहुत नए है, तो इनमें से सबसे प्रोबेबल ऑप्शन कौन सा है, अलेक्जेंडर, 327 BC में आए, और 20 उसका 19 में डेथ हो गया था सर, 319 BC में उसको डेथ हो गया था मलेरिया से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, हु फाउंडेड ब्राह्म समाज, जो पहला ब्राह्म समाज है वो किसने फॉर्म किया था, राजा राम मोहन रॉय इन 1828, बाद में देवेंद्रनाथ टैगोर आए, केशव चंद्र सेन आए, उसके बाद स्प्लिट हो गए, आदि ब्राह्म समाज, ब्राह्मो समाज ऑफ इंडिया, फिर ब्राह्मो समाज ऑफ इंडिया, फिर से जाके साधारण ब्राह्मो समाज और ब्राह्मो समाज ऑफ इंडिया में डिवाइड हो गए थे, ठीक है। ब्राह्मो समाज इज ए इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर आवर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, देख लेना कब कब क्या हुआ था। द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया इज डेफिनेटली मुंबई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडियन एग्रीकल्चर वॉज फर्स्ट इनिशिएटेड इन, ऑप्शन कैसे एलिमिनेट करना है, देखो ईस्टर्न साइड में ग्रीन रिवोल्यूशन लाया ही नहीं गया, ठीक है, तो वेस्ट बंगाल और यूपी दोनों को काट सकते हैं, और तमिलनाडु नहीं किया था उसमें एप्लीकेबल, ठीक है। तो शुरुआत किसमें हुआ था, पंजाब और हरियाणा, ठीक है, तो इसलिए अभी भी वहां का खेत बहुत ये है, धान और व्हीट दोनों की खेती के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैनग्रोव फॉरेस्ट,
मैंग्रोव फॉरेस्ट क्या होता है, जो एक इकोटोन मतलब कोस्टल एरिया और सी के बीच में एक ट्रांजिशन जोन के काम करते हैं, जो मेनली टाइगर के लिए इम्पोर्टेंट है, टाइगर स्पेशली वहां पे रहते हैं। और सुंदरबन में जो ये है मैनग्रोव फॉरेस्ट, इट इज सेड टू बी द लार्जेस्ट मैनग्रोव फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड, ठीक है, लार्जेस्ट कॉन्टिन्यूस स्ट्रेच ऑफ मैनग्रोव। सो सुंदरबन में मिलता है, अंडमान में मिलता है, फिर गुजरात के साइड में मिलता है मैनग्रोव फॉरेस्ट। सो इन लोगों का काम क्या है, ये दिस इज दे आर नोन एज द किडनी, ठीक है, मतलब सॉरी किडनी तो वेटलैंड है, मतलब वो फिल्ट्रेशन का काम करता है, ठीक है, सेलाइन वाटर का फिल्ट्रेशन करता है वो लोग। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड? विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर इज इन थुम्बा, इसरो सैटेलाइट सेंटर इज इन बैंगलोर, SHAR सेंटर इट्स नथिंग बट श्रीहरिकोटा सेंटर, ठीक है। सो इट्स डेफिनेटली श्रीहरिकोटा। सो ऑप्शन कौन सा है हम लोगों का, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर इन अहमदाबाद, ठीक है। व्हाई डेथ ऑफ फिश इज मोर कॉमन ड्यूरिंग समर देन इन विंटर, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, समर में वाटर का जो ऑक्सीजन होल्डिंग कैपेसिटी होता है वो कम हो जाता है, ठीक है, तो इसलिए ऑक्सीजन कम हो जाता है और डेथ ऑफ द फिश बिकम्स मोर कॉमन ड्यूरिंग एक्सट्रीम समर देन इन एक्सट्रीम वेदर ऑफ विंटर, ठीक है। हु एक्टेड एज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इट वॉज बी आर अम्बेडकर, ठीक है। ड्राफ्टिंग कमेटी जो कॉन्स्टिट्यूशन का मेन ड्राफ्ट रेडी किया था, ठीक है, उसमें मेंबर्स कौन कौन थे ये भी देख लेना, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट ये कमेटी, ठीक है। इसमें नॉर्थ ईस्ट का मेंबर कौन थे, मोहम्मद सर मोहम्मद सदुल्ला थे आई गेस। सो नॉर्थ ईस्ट के कौन कौन थे ये सब देखना, फिल्म से काम आ सकते हैं, ठीक है। Which of the following courts is responsible for the enforcement of fundamental rights in India? Only High Court and Supreme Court under Article 226 and Article 32 respectively are responsible for enforcement of fundamental rights. Bas Supreme Court aur High Court hi fundamental right mein writ jurisdiction hai un logon ka, theek hai, and they have matlab specially Supreme Court has original jurisdiction regarding fundamental rights, ठीक है। Now aluminium, aluminium is made from or extracted from उसका और क्या है, bauxite, ठीक है। When was Bengal partition by Curzon was annulled, कब cancel कर दिया गया था, 1902 में तो हो ही नहीं सकता क्योंकि तब 1905 तक partition हुआ ही नहीं था। 1909 में मॉडलम इंटो रिफॉर्म आया था जिसमें partition annulment का कुछ बात नहीं था, और 1908 just after Surat split कांग्रेस हुआ, मतलब तब तो ब्रिटेन जीत ही रहा था तो वो लोग एनल क्यों करेंगे। सो 1911 इट वाज एनल्ड और रिवोक्ड एंड कैपिटल वाज शिफ्टेड टू दिल्ली फ्रॉम कलकत्ता। सर हाँ, बंगाल पार्टीशन 1905 में नहीं था क्या? हाँ वही तो बोला, बंगाल पार्टीशन 1905 में हुआ तो 1902 में एनल कैसे हो सकता है, वही बोला, ठीक है। ओ एनल्ड, हाँ एनल मतलब रिवोक कैसे कर, कब कैसे हो सकता है, मतलब हुआ ही नहीं, आया ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, दिन ई इलाही, दिन ई इलाही मतलब क्या है, डिवाइन फेट, ठीक है, और मतलब वो एक स्पेशलाइज्ड मतलब क्या था, अकबर का नॉट लाइक ए सेपरेट रिलीजन बट एक रिलीजियस मूवमेंट पंथ जो बोल सकता है, जो मतलब इतना कुछ नहीं था, कोई रूल रेगुलेशन इतना नहीं था, बस अपने बर्थ के महीने में नॉनवेज नहीं खा सकते, फिर दान देना पड़ता है। अकबर के मतलब मंगलवार को शायद आई गेस अकबर के पैर में आके मतलब बात, ये अकबर उसके कान में मंत्र देता था। बहुत कम कम फॉलोअर्स थे, अबुल फजल फैजी बीरबल ये सब थे जो अकबर के क्लोज थे, एंड दिस पंथ वर्चुअली डाइड विद डेथ ऑफ अकबर, ठीक है। Who assumed the title of Devanampiya Priyadarshi? So Devanampiya Priyadarshi means the beloved of God. Devanampiya Priyadarshi means good looking. ठीक है, तो इसके लेके अनपॉपुलर कहानी है कि अशोक देखने में खूबसूरत नहीं था, तो उसको लेके वो बहुत इनसिक्योर थे और उन्होंने अपना नाम प्रियदर्शी रख लिया, लेकिन ऐसा नहीं है। मतलब वो कलिंग वार के बाद उसका जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था उसको समझाने के लिए ये बोला जाता है देवनाम, मतलब जो इंस्क्रिप्शन है उसमें ये दिखा मतलब मिला जाता है, ठीक है, देवनाम प्रिया प्रियदर्शी नाम।
और एक में मस्की या फिर उटनूर या फिर उडेगुलम, इसमें किसी में एक में देवनाम्पिया प्रियदासी अशोका मेंशन था, तब पता चला कि यही आदमी अशोका है। लेकिन अभी कंट्रोवर्सी चल भी रहा है, कोई आदमी बोलता है कि ये कुमार गुप्ता के बारे में बोलते हैं, ठीक है, तो ये सब कंट्रोवर्सी में मत जाओ, जो लिखा है वो पढ़ो, ठीक है। सो हु कंपोज वंदे मातरम, बंकिम चंद्र चैटर्जी, ठीक है, छोटा पंडित। एंड इंडिया इज, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, तो इंडिया इज ट्रेवर्स बाय, इक्वेटर तो इंडिया में है ही नहीं, आर्कटिक सर्कल बहुत ऊपर है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन साउदर्न हेमिस्फीयर पे है, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ पे है। तो तुम लोग बोल सकते अंडर द वेदर, ठीक है। सो इसमें क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया के कौन सा स्टेट के बीच में जाते हैं, कोई बोल सकता है? ये बहुत प्रोबेबल और कॉमन क्वेश्चन है, ठीक है, यूपीएससी के लिए। उड़ीसा, गुजरात, फिर राजस्थान का एक छोटा सा पार्ट से जाता है, फिर जाता है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद हम लोग का क्या स्टेट आता है, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद आता है झारखंड, झारखंड के बाद वेस्ट बंगाल, फिर त्रिपुरा एंड मिजोरम, ठीक है। सो सीरियली आते रहो, गुजरात से मतलब ईस्टवर्ड आते रहो, रास्ते में जो भी किंगडम मिले, मतलब सॉरी स्टेट मिले, वही आंसर है, ठीक है। बस राजस्थान में थोड़ा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि एक छोटा सा पार्ट से जाता है बस, ठीक है, कंफ्यूज मत होना उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का क्या आएगा, ये क्वेश्चन बहुत प्रॉब्लम है, आइदर पूछ सकते हैं कि कितने स्टेट से जाते हैं, या फिर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब थ्रू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस, इस टाइप के क्वेश्चन यूपीएससी में आते हैं। 5 स्टेट दे देंगे, फिर 1 एंड 2, 2 एंड 3, ऐसे ऐसे मिलाना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, इंडिया का जो टाइम मेरिडियन है उसका लॉन्गिट्यूड कितना है, कोई बोल सकता है? टाइम जिसके बेसिस पे हम लोगों का टाइम डिसाइड होता है, और वो कौन सी एरिया के ऊपर से जाते हैं, नहीं, 89 नहीं, और वो जाते हैं मिर्जापुर के ऊपर से, वो है हम लोगों का 82.5, ठीक है, 82.5 डिग्री ये ईस्ट। तो उसमें हम लोगों का 5 आवर्स एंड 30 मिनट जो स्टैंडर्ड टाइम है उसको काउंट किया जाता है, ठीक है। टू पॉइंट नेक्स्ट फाइव क्वेश्चन, नॉर्थ हाँ, नॉर्थ नहीं, लॉन्गिट्यूड बोल रहा हूँ, लेटिट्यूड नहीं। लेटिट्यूड, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं जारवा, जारवास आर रेसिडेंट्स ऑफ, ये मतलब पर्सनली देखा हूं मैं जाके, अंडमान में जब गया था तो उन लोगों का क्या है, एक आइलैंड मतलब बाराटा आइलैंड में जाने तक जाने के लिए पोर्ट ब्लेयर से गाड़ी लेके जाना पड़ता है, और बीच में जारावा रिजर्व फॉरेस्ट टाइप में उन लोगों को रखा जाता है, कि एक साथ में मतलब दिन में कुछ लिमिटेड अमाउंट ऑफ गाड़ी जाएंगे जारावा एरिया के बीच से, और वो लोग एक साथ जाएंगे एक साथ लौट के आएंगे, ठीक है, ऐसा टाइप का पूरा। साउथ में जैसे मूवी में फिल्म जाते हैं ना, पूरा स्कॉर्पियो लेके ऐसे पूरा जाना पड़ता है, और रास्ते के साइड में कभी कभी जारवा दिखाई देता है। उन लोगों को भी पता चल गया, वो लोग बहुत प्रिमिटिव लेवल में है, ठीक है, उन लोगों को पता चल गया है कि अगर उन लोगों का कुछ प्रॉब्लम, हेल्थ प्रॉब्लम होने से अपने बच्चे को रास्ते के साइड पे छोड़ के जाते हैं ताकि कोई उन्हें ठीक कर दे। तो उन लोग बीच में मतलब ह्यूमन से कोविड होके थोड़ा न्यूज में आया था, और दो तीन ट्राइब है, तुम लोग अंडमान के जो ये प्रिमिटिव ट्राइब से नाम देख के रखना, ठीक है, जारवा हो गया, ओंगे हो गया, फिर उसके बाद हो गया सेंटिनेलिस और ग्रेट निकोबरिस, इनमें से सबसे खूंखार है सेंटिनेलिस, ठीक है, उन लोगों के साथ ह्यूमन कॉन्टेक्ट बहुत कम हुआ है, ये देख लेना, पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, ठीक है, बहुत कम ये है पॉपुलेशन, 50-70 ऐसे ऐसे पॉपुलेशन। सो व्हेन डिड भगत सिंह बिकेम ए मार्टियर, वो कब हुए थे? 1931, जस्ट फ्यू डेज आफ्टर गांधी अरविंद टॉक्स, ठीक है, वो फेलियर हो गया, ताकि वो लोग भगत सिंह को बचा नहीं पाए। सो वो फेलियर होने के बाद भगत सिंह, आई गेस डेट वॉज 23 मार्च, मैं चेक कर लेता हूँ। अच्छा, कौन से केस में उसको फांसी ही दिया गया था, किसी को पता है? हाँ ठीक है, 23 मार्च ही है, कौन सा केस में भगत सिंह को फांसी दिया गया था? लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस, सेंट्रल असेंबली बॉम्बिंग केस, ठीक है, 1931, 23 मार्च, ठीक है। व्हेन वाज हिंदू कॉलेज फाउंडेड, इसमें दिल्ली से कंफ्यूज मत होना, ये बंगाल का जो प्रेसिडेंसी कॉलेज है उसका नाम था पहले हिंदू कॉलेज, ठीक है, डेविड हर्ड ने मतलब ये किया था, जिसपे राजा राम मोहन राय का भी कंट्रीब्यूशन था, वो फॉर्म कहा हुआ, कब हुआ था? 1817 में, ठीक है, जो प्रेसिडेंसी कॉलेज है कलकत्ता का, वो हिंदू कॉलेज दिल्ली को, दिल्ली वाला नहीं। हु कंपोज्ड इलाहाबाद प्रशस्ति, इलाहाबाद प्रशस्ति या फिर इलाहाबाद पिलर, वो
उस दिन जो बोला था समुद्रगुप्त, अशोका और जहांगीर तीनों का एक साथ है, तो वो कौन, किसने कंपोज किया था? हरी सेना, ठीक है, कविराज, मतलब कविराज ऑफ द कोर्ट पोएट ऑफ समुद्रगुप्त, ही वाज आल्सो द महादंडनायक ऑफ गुप्ता एम्पायर, ठीक है. व्हिच ऑफ देयर इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, राइट टू प्रॉपर्टी. इट वाज अ फंडामेंटल राइट बट इट वाज रिमूव्ड बाय 44th अमेंडमेंट ऑफ 1978, जिसके बाद ये क्या बन गया? लीगल राइट बन गया. लीगल राइट बन के मैं पहले क्लास में बोला था लीगल राइट का डिफरेंस क्या है, कि लीगल राइट डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में इम्पोज नहीं हो सकता है, उसको थ्रू ऑर्डिनरी जुडिशियरी सिस्टम के थ्रू जाना पड़ता है, ठीक है. अगर किसी का राइट टू प्रॉपर्टी वायलेट होता है तो उसका रेस्टोरेशन फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 नहीं पड़ते हैं, ठीक है. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स इंडिया एज अ सेक्युलर स्टेट. सेक्युलर स्टेट का मतलब इंडिया में क्या है? द स्टेट रिगार्ड्स रिलीजन एज ए प्राइवेट अफेयर एंड डज नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ इट. तो मतलब क्या है रिलीजन? वेस्टर्न जो सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट है वो क्या है? कंप्लीट सेपरेशन ऑफ रिलीजन एंड स्टेट क्राफ्ट. तो इसलिए रिलीजन को पूरा अलग रखते हैं जिसमें स्टेट इंटरफेयर नहीं करते हैं. लेकिन इंडिया का क्या है? नॉट मतलब इक्वल, मतलब सेपरेशन फ्रॉम रिलीजन, बट रादर इक्वल इंपॉर्टेंस टू एवरी रिलीजन, ठीक है. और उसमें जो डिस्क्रिमिनेशन आर्टिकल 15, द एनी पीपल विल नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, रिलीजन, ये सब. तो उसमें रिलीजन के बेसिस में किसी को डिस्क्रिमिनेट स्टेट नहीं करता है, ठीक है. नाउ हु रोट आई ई अकबरी एंड देयर वॉज अनदर बुक, ठीक है, अनदर बुक बाय द सेम राइटर अबुल फजल. कोई नाम बोल सकता है? इस नाम के साथ ही लिंक है, ठीक है. वो है अकबरनामा. दोनों एक ही राइटर ने लिखा था. अबुल फजल और फैजी दोनों भाई अकबर के कोर्ट पोएट थे, ठीक है. हु इंट्रोड्यूस्ड काबुलियत एंड कबूलियत एंड पत्ता. सो पट्टा मतलब क्या? अभी भी मिट्टी का पट्टा देते हैं ना, वही है कि मिट्टी जिसको दिया गया है वो किसान के नाम हम लिख के पट्टा दिया जाता है, और वो किसान कितना लगान देगा, कितना ये करेगा, वो सब जब वो कबूल कर लेता है वो होता है कबूलियत. वो एक अलग कागज होता है. और ये शुरू कब हुआ था? शेरशाह सूरी के जमाने पे, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, हु रोट बुद्ध चरित. बुद्ध चरित वॉज रिटन बाय अश्व घोष इन संस्कृत, ठीक है. ये सब फेमस बुक और फेमस राइटर याद रखना पड़ता है, ठीक है. स्पेशली एंशियंट और मीडिएवल यूपीएससी का पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बहुत आता है. एब्सर्ड बुक के नाम पूछ देते हैं. तो जब किताब का नाम मिले तो राइटर का नाम हाईलाइट करते जाना, हिस्ट्री में स्पेशली, मतलब एंशियंट और मीडिएवल में. ना व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द मदर ऑफ पार्लियामेंट? इट इज ब्रिटिश पार्लियामेंट. बिकॉज बहुत लोग बोलते हैं कि ब्रिटिश पार्लियामेंट मतलब उसी से ही ये हुआ था, बहुत पार्लियामेंट इंस्पायर्ड हुए थे, तो इसलिए ब्रिटिश पार्लियामेंट इज कॉल्ड द मदर ऑफ पार्लियामेंट. अच्छा, इंडिया में भी एक ऐसा हुआ था, किसी को पता है? एंशियंट फॉर्म ऑफ पार्लियामेंट वो थे बासवन्ना, जो लिंगायत सेक्ट है. लिंगायत वो रेडिकल एक सेक्ट है जो शिव का वोशिप करते थे. उन लोगों ने एक अनुभव मंडप बनाया था, ठीक है. अनुभव मंडपा वो बोलते हैं कि वन ऑफ द अर्लिएस्ट फॉर्म ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है. कंट्रोवर्सी है लेकिन याद रखना, ठीक है. व्हेन इट्स नून एट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन, मतलब 0 डिग्री, व्हाट वुड बी द लोकल टाइम एट 120 डिग्री ईस्ट? तो ईस्ट मतलब क्या? प्लस होगा कि माइनस होगा? प्लस, क्योंकि ईस्ट साइड में पहले सनराइज होते हैं और जब तक 0 डिग्री तक पहुंचते हैं तब तक चला ही जाता है 12 घंटा, ठीक है. तो 12 घंटा जाते जाते, तो देखना एक चीज याद रखना, 1 डिग्री मतलब कितना? 1 डिग्री कवर करने के लिए सन को लगता है 4 मिनट, ठीक है. 1 डिग्री कवर करने के लिए, और 1 डिग्री में कितना होता है? 111 किलोमीटर ऑलमोस्ट. सो 1 डिग्री कवर करने में अगर उसको 4 मिनट लगता है तो 120 डिग्री कवर करने में उसको कितना लगेगा? 120 x 4 कितना हुआ? 480, ठीक है. 480 क्या? मिनट. नाउ अगर हम लोग उसको किससे डिवाइड करेंगे, अगर 60 से करें तो 8 घंटा होता है, ठीक है. और 8 घंटा मतलब 12 के साथ हम लोग अगर नून, नून मतलब क्या? 12, 12 के साथ 8 घंटा प्लस करेंगे तो कितना होगा? 20, मतलब 8 PM, ठीक है. ये क्वेश्चन देख लेना, समझ जाओगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड? एस्किमो, एक्चुअली वो एक स्लैंग टाइप का है, वो यूज नहीं करते हैं. एक्चुअली वो है इनुइट, उन लोगों का जो ट्राइब है. और इनुइट आर्कटिक सर्कल में पाया जाता है, स्पेशली कनाडा में भी.
ठीक है, तो पहला ऑप्शन ही करेक्ट है, गोंड इंडिया में पाया जाता है, लैप्सको पाया जाता है वो तंड्रा एरिया में, और उरांग उरांग मतलब उरांग ये इंडिया में पाया जाता है ये ट्राइब, ठीक है। द कॉनिफेरस फॉरेस्ट और द टुंड्रा वेजिटेशन स्कैंडिनेवियन कंट्री, स्कैंडिनेवियन कंट्री में नॉर्वे फिनलैंड स्वीडन आते हैं, वो आर्कटिक सर्कल के नॉर्थ पे होते हैं, ठंडा जगह टुंड्रा के अंदर, तो डेफिनेटली वहां पे कॉनिफेरस फॉरेस्ट मिलेगा ही। कनाडा का भी मैक्सिमम पार्ट नॉर्थ पे ही है आर्कटिक सर्कल के, सो उसमें भी कॉनिफेरस फॉरेस्ट मिलेगा। और एमेजोन, एमेजोन तो ऑलमोस्ट एट द इक्वेटर, उसमें कॉनिफेरस फॉरेस्ट कम मिलने का बहुत चांस कम है। अगर हाई ऑल्टीट्यूड में मिल सकता है, अगर बहुत हाई ऑल्टीट्यूड के ऊपर, जैसे कि असम में भी मतलब नॉर्थ ईस्ट में भी मिलता है, ऑल्दो इट्स नियर टू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, फिर भी तो एमेजोन में नहीं पाया जाता है नॉर्मली। और लास्ट क्वेश्चन है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच इट्स कंट्रीज विद देयर कैपिटल, ठीक है, बाकी सब ठीक मिला हुआ है, फिनलैंड का अच्छे से नहीं मिला है। फिनलैंड का कैपिटल क्या है, कोई बोल सकता है क्या? हेलसिंकी। हेलसिंकी, ठीक है। सो 50 क्वेश्चन हो गए, अभी तक कुछ डाउट, कोई भी क्वेश्चन में डाउट या फिर मतलब किसी को कुछ पता हो उस क्वेश्चन के बारे में, इनसाइट्स देना चाहता है वो भी दे सकते हैं।